क्या आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं? और अगर आप चाहते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट कहीं रुक ना जाए तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि मेरे पास सारे ही म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। सेबी के नोटिस के हिसाब से अब सारे ही म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टमेंट के लिए नॉमिनी को नॉमिनेट करना मैंडेटरी कर दिया गया है। जी हाँ, एज पर द नोटिस 1 अप्रैल 2023 से अगर आपने अपने इन्वेस्टमेंट में नॉमिनी को नॉमिनेट नहीं किया है तो हो सकता है कि आपका इन्वेस्टमेंट फ्रीज हो जाए, यानी कि अब आप कोई भी विड्रॉवल नहीं कर पाएंगे। साथ ही SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान को भी ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन डोंट वरी, अगर आपने अभी तक किसी को नॉमिनेट नहीं किया है अपने इन्वेस्टमेंट के लिए तो हम है ना, हम आपकी मदद करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नमिता पांडे और आप सभी का स्वागत है एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, जहां मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे आप सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में अपने इन्वेस्टमेंट पर नॉमिनी को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाती हूँ कि कितने आसानी से आप ये कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देती हूँ अपना स्क्रीन शेयर करके कि कितने आसानी से और कितने जल्दी आप किसी भी व्यक्ति को अपने इन्वेस्टमेंट के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। और मैं आपको एक URL है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, ताकि आप आसानी से उस URL पे जाकर किसी को भी अपना नॉमिनी बना सकते हैं। और इस लिंक पर, इस वीडियो के लिंक पर भी नीचे आपको दिख जाएगा, तो इस लिंक पर हम डायरेक्टली जाकर इस पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अपने मम्मी को, पापा को या किसी भी रिलेशन या रिश्तेदार को अपना नॉमिनी बना सकते हैं। तो चलिए अब दिखाती हूँ मैं आपको। तो इस साइट पे हम आ गए हैं जहाँ से हम अपने किसी भी रिश्तेदार को अपने इन्वेस्टमेंट के लिए नॉमिनी बना सकते हैं, और ये साइट का नाम है digital.camsonline.com। और यहाँ पे आप देखेंगे द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दे आस्किंग इज कि आप अगर एक इन्वेस्टर हैं या फिर जॉइंट होल्डर हैं तो आपको अपना पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे एंटर करना होगा। उससे पहले आपको ये भी डिसाइड करना होगा और इन्हें बताना होगा कि क्या आप एक फर्स्ट होल्डर हैं, यानी कि क्या आपका सारा इन्वेस्टमेंट आपके नाम पर है, या फिर आप एक जॉइंट होल्डर भी हैं। तो दोनों आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करना होगा। यहाँ पे सबसे पहले अपना पैन नंबर डाल देते हैं। फिर आई एम अ फर्स्ट होल्डर और फिर नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट म्यूचुअल फंड और फंड, और यहाँ पे मेरा SBI म्यूचुअल फंड का एक ही ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट को क्लिक करूंगी। जैसे ही हम नेक्स्ट को क्लिक करते हैं तो हाउ डू यू वॉन्ट टू रिसीव एन OTP ये भी पूछा जाएगा। आप एक NRI इन्वेस्टर हैं, रेसिडेंट इन्वेस्टर्स ट्रैवलिंग आउटसाइड इंडिया, प्लीज़ ऑप्ट फॉर OTP वाया ईमेल। वो स्पेसिफिकली NRI इन्वेस्टर्स और रेसिडेंट इन्वेस्टर्स ट्रैवलिंग आउटसाइड इंडिया, इन दोनों के लिए स्पेसिफाई कर दिया गया है कि वो ईमेल ही चूज करें। अब यहाँ पे क्योंकि ना मैं एक NRI इन्वेस्टर हूँ ना ही मैं एक रेसिडेंट इन्वेस्टर हूँ, तो मैं ऑप्ट करूँगी मोबाइल, तो मुझे मोबाइल पर अपना OTP चाहिए। जैसे आप वो करें, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा, आपको OTP डालना है फिर यहाँ पर, फिर नेक्स्ट करना है। OTP डालने के बाद नेक्स्ट दबा देना है। जैसे आप वो करते हैं तो देखिए चूज इन्वेस्टमेंट्स विद मोड ऑफ होल्डिंग सिंगल, चूज रिक्वेस्ट टाइप, क्या आपको किसी को रजिस्टर करना है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है और अब तक किसी भी इन्वेस्टमेंट में आपने नॉमिनी नॉमिनेट नहीं किया है तो आपको फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, यानी रजिस्टर नॉमिनी। सेकेंड ऑप्शन उनके लिए है जिन्होंने ऑलरेडी किसी नॉमिनी को नॉमिनेट कर रखा है और उन्हें अब चेंज करना है या फिर अपडेट करना है अपने नॉमिनी को। लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर नॉमिनेशन ऑप्ट आउट, अगर आपको आपने किसी को नॉमिनेट किया हुआ है और अगर आपको अब हटाना है उससे तो आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं, आई डू नॉट वॉन्ट टू नॉमिनेट, ये ऑप्शन दिया हुआ है। अगर मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक करूँ तो देखिए रजिस्टर नॉमिनी नो रिकॉर्ड फाउंड, तो यहाँ पे अगर आपने ऑलरेडी किसी को नॉमिनेट कर रखा हुआ है तो यहाँ पे कोई पोर्टफोलियो नहीं दिखाएगा आपको। तो लेट्स अपडेट और चेंज, तो जैसे हम अपडेट और चेंज के ऑप्शन पे जाते हैं तो देखिए अभी तक तो एक ही म्यूचुअल फंड का नाम दिखा रहा है मेरे पोर्टफोलियो में, जो है SBI म्यूचुअल फंड, फिर मेरा पैन कार्ड दिखा रहा है, फोलियो या इन्वेस्टर्स नेम दिखा रहा है, और फिर नॉमिनी कितने नॉमिनीज मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं वो भी दिखा रहा है, और कितने परसेंटेज का फंड मैं उन्हें एलोकेट करती हूँ वो भी आपको दिखाता है, यानी नॉमिनी का नाम और कितना परसेंटेज ऑफ योर इन्वेस्टमेंट आप उन्हें देना चाहते हैं। ये हो सकता है 50% आप शेयर करना चाहते हैं, 100% शेयर करना चाहते हैं, एक्सेट्रा। फिर आपके पास ऑप्शन ये भी है कि नॉमिनी
टू और नॉमिनी थ्री को भी आप नॉमिनेट कर सकते हैं, यानी कि टोटल ओवरऑल तीन लोगों को आप नॉमिनी बना सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। तो यहाँ पे क्योंकि मेरा एक ही नॉमिनी है, अब मैं इसे प्रोसीड करती हूँ। और फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, एएमसी का नाम दिखा देगा, फिर पैन का नंबर दिखा देगा आपको, आपका नाम, और फिर नो नॉमिनेशन ऑप्टेड येट। तो यहाँ पे आप लास्ट ऑप्शन पे आइए, अपडेट। तो जैसे ही आप अपडेट ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ देखिए एक ही नॉमिनी का नाम आता है, क्योंकि मैंने अब तक एक ही को नॉमिनेट किया है अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उनका यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा। अगर आपको और दो लोगों को ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड नॉमिनी का ऑप्शन है, वहाँ पे आप क्लिक करें। और फिर चलिए अब एक और लोगों को नॉमिनेट करते हैं, और सबसे पहला आपको डिटेल डालना होगा उनका पैन नंबर। पैन नंबर डाल दिया, फिर उसके बाद आपको नॉमिनी एलोकेशन भी डालना पड़ेगा कि कितना परसेंट आप उनसे शेयर करना चाहते हैं। तो फिर नॉमिनी नेम क्या है वो भी आपको डालना पड़ेगा, फिर नॉमिनी डेट ऑफ बर्थ भी डालना होगा आपको, फिर लास्ट में आपको रिलेशनशिप भी डालना है, यानी कि आपका और उनका क्या रिश्ता है, क्या वो आपकी आंटी लगती हैं, भाई लगता है, बेटी लगती है, डॉटर इन लॉ, फादर, फादर इन लॉ, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, हस्बैंड, मदर, मदर इन लॉ एक्सेट्रा। तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ आप किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने अपने सिस्टर को नॉमिनेट किया है, और जैसे आप ये सारे डिटेल्स फिल कर देते हैं तब आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने अपने नॉमिनेशन डिटेल्स को फिल कर दिया है, आपने दो लोगों को या फिर तीन लोगों को नॉमिनी बना लिया है और परसेंटेज भी एलोकेट कर दिया है, सारे डिटेल्स आपने डाल दिया है, फिर आपका आता है नेक्स्ट स्टेप, जहां पर आपको करना है प्रोसीड टू ओटीपी। फिर यहां पे कमिंग सून आधार बेस्ड ई साइन ऑथेंटिकेशन फॉर नॉमिनेशन ये भी पूछा जाएगा। तो यहां पे अब मैं प्रोसीड टू ओटीपी कर देती हूं, फिर वापस से आपको अपना ओटीपी डालना होगा। तो यहां पे देखिए सक्सेसफुली मैंने दो लोगों को अपना नॉमिनी बना लिया है, योर नॉमिनी डिटेल्स आर अपडेटेड सक्सेसफुली। तो अब आपने देख लिया कि कितने आसानी से सिर्फ तीन सिंपल स्टेप से आप किसी को भी अपने इन्वेस्टमेंट के लिए नॉमिनी बना सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट के लिए नॉमिनी नहीं बनाया है तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जल्द ही आप यही प्रोसेस फॉलो कर किसी को भी अपने इन्वेस्टमेंट का नॉमिनी बना लीजिए, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट भी है। अगर ये मैंडेटरी नहीं भी होता तब भी ये इम्पॉर्टेंट है। अब आप मुझसे ये सवाल कर सकते हैं कि भाई किसी को भी अपने इन्वेस्टमेंट के लिए नॉमिनी क्यों बनाऊं, मैं अपने पैसे उन्हें क्यों दूं? वेल, आपको मैं आप बता दूं कि खुदा ना खास्ता कल को अगर कुछ हो जाता है आपको, और इतने मेहनत से आपने जो इतना इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा? फिर किसी ना किसी को तो जाएगा, राइट? तो इसीलिए ज़रूरी ये है कि आप आज अगर अपने फैमिली मेम्बर्स को नॉमिनेट कर देते हैं तो जो भी इन्वेस्ट किया है आपने, जितना भी पैसा, आसानी से आपके फैमिली मेम्बर्स को पास ऑन कर दिया जाएगा। अगर आपने किसी को भी नॉमिनी नहीं बनाया है तो इन दैट केस आपके फैमिली मेम्बर्स को दर दर भटकना पड़ेगा और बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को फुलफिल करना होगा, ताकि जो भी पैसे आपने इन्वेस्ट किए हैं वो उन्हें वापस मिल जाए। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपके फैमिली मेम्बर्स को किसी भी तरह की तकलीफ हो आपके पैसे को पाने के लिए, तो ज़रूरी है कि आप उन्हें नॉमिनेट कर दें आज। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई फीडबैक देना है तो भी वो हमें बताइएगा। अगर किसी भी तरह की तकलीफ आ रही है आपको अपने नॉमिनी को रजिस्टर करने के लिए, नॉमिनेट करने के लिए, प्रोसेस समझ नहीं आया, जो भी होगा आपका कन्फ्यूजन, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे कन्फ्यूजन्स को, ट्रबल्स को हम दूर कर सके। साथ ही अगर आपको ये सीखना है, समझना है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे इसमें निवेश किया जाता है, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि क्यों ना आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड करके वहां से सीख लें, क्योंकि वहां पे बहुत सारे कोर्सेज हैं ऑन पर्सनल फाइनेंस, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आइडियाज आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, वो भी पूरे पूरी डिटेल्स के साथ। तो जल्द ही डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम।